रही है। जाग जाओ। शिनचैन को जगा दो वरना वो किंडरगार्टन के लिए लेट हो जाएगा मित्सी। स्प्रिंग हॉलीडेज हैं। अरे हाँ मित्सी, ये बात तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। काश हमें भी हॉलीडेज मिलती। हाउसवाइफ्स को तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही मित्सी। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। घर जल्दी आना। मेरे लिए गिफ्ट लेते आना। चुप रहो। और ये क्या है? तुमने अपने बिस्तर पर इसे क्यों लेटा रखा है? मुझे ऐसे करना पसंद है। छुट्टियां हैं इसीलिए तुम सारा समय इधर उधर घूमकर बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर तुमने छुट्टियों में टाइम डिसिप्लिन्ड होकर नहीं गुजारा तो क्लास शुरू होने पर बहुत परेशानी होगी। चलो अभी के लिए दिन के पहले ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। तुम्हें सवेरे सवेरे क्या बोलना चाहिए बताओ? कितनी बढ़िया सुबह है ना बीवी, जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। इस तरह बोलने का क्या मतलब है? और मैंने तुम्हें डैड की नकल उतारने के लिए नहीं कहा था। तुम वैसे ही बोलो जैसे किसी अच्छे बच्चे को बोलना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी माँ। ठीक है अब जाओ और ब्रश करो और अपना चेहरा भी धो लेना। ओके। वाह आसमान बिल्कुल साफ है, आज तो कपड़े धोने के लिए बढ़िया दिन है। तो शिनचैन तुम ये क्या कर रहे थे? मैं इसे कुछ ऐसे कर रहा था। कुछ नहीं बस ऐसे ही। फेस धो नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा समझे? चादर भी आज ही धो लूं या फिर किसी और दिन? कमांडर। आगे एक सबमरीन और एक शिप है। पहले हमला सबमरीन पर करना होगा। इसने अपना फेस नहीं धोया है। हेलो कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? हम उसके बीच में हमला करेंगे। वो टूट गए, अब बारी शिप की है। कमांडर वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। ठीक है हम उसे तबाह कर देंगे। अब मैं निशाना साधता हूँ। 3, 2, 1, 0, फायर। शिप तो डूब गया। अब तो तुम्हें अपना फेस धोना ही पड़ेगा। चलो अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ शिनचैन। शिनचैन क्या तुम बता सकते हो कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बड़ों की बात मानना कब सीखोगे? मैं तुम्हारी इन आदतों को बर्दाश्त नहीं करूंगी समझे तुम? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। से नहीं बच सकते। रुको। अब तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तेरा क्या होगा शिनचैन? कहाँ गए? कहाँ गया? तुमने फिर से शुरू कर दिया शिनचैन। इधर आओ। अरे अच्छा बच के दिखाओ। मुझे चक्कर आ रही है। कोई बात नहीं आने दो चक्कर, अब तुम लेट के रहो। मेरे हाथ छूट रहे हैं। मिसेज नोहारा, आप अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगे ना? बोलो। मिसेज नोहारा, अब करोगे ऐसा? मुझे झूले क्यों झुला रही है? न जाने क्या हो रहा है। मैंने कितनी बार मना किया लेकिन तुम समझते ही नहीं। ये लो, ये लो। मिसेस नोहारा, आज तो कूड़ा निकालने का दिन है ना? हाँ? परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। अरे
हैं? आज शिरो बीमार है। शिनचैन, शिरो के खाने का वक्त हो गया है। शिनचैन, अरे ये तो सो गया है। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। इतनी शरारतें करने के बावजूद सोते वक्त ये कितना क्यूट लगता है। कोई बात नहीं, मैं ही शिरो को खाना दे देती हूँ। ये बहुत आसान था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें शिरो की कोई फिक्र नहीं। आपको कैसे पता? क्या तुम्हें मालूम नहीं वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा? बताओ क्या ये ठीक होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। हमेशा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। देखो शिनचैन, तुम शिरो की ठीक से केयर किया करो, समझे? हाँ, करीब करीब। ठीक से जवाब देना सीखो। बोलो, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, किचन में चावल और सूप रखे हैं। जाओ जाकर शिरो को खिला दो। बात तुम्हारी समझ में आ गई? मुझे शिरो की प्लेट नहीं मिल रही है, इसलिए पापा का बोल यूज करूंगा। हो गया, चलो खाना शुरू करें। कितना स्वादिष्ट खाना है। पेट भर गया। खाना अच्छा था ना? खाना तो अच्छा था, मुझे एक कप चाय दे दो। तुमने शिरो का खाना क्यों खाया? शिरो इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जितना खाना है उतना खा लो, ठीक है? शिरो, क्या हुआ तुम्हें? तुम खाना नहीं खाना चाहते? अच्छा, मैं समझा कि तुम डाइट पर हो और तुम चाहते हो कि तुम स्लिम ट्रिम हो जाओ ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स बन जाएं। क्या हुआ शिरो? शिरो, मॉम देखो देखो शिरो को क्या हुआ? सॉरी शिरो, मैंने तुम्हें देर से खाना दिया था ना। मॉम, शिरो को कुछ होगा तो नहीं ना? बोलो। इसे जोर से पकड़े रखो, अभी ठीक हो जाएगा। शिरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बेचारे शिरो की तबीयत ज्यादा खराब लगती है। यस, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। ये लड़का, प्लीज अंदर आइए। हेलो, मैं हूँ शिनचैन नोहारा, मैं 5 साल का एक डॉगी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। भाव भाव। शिनचैन, बिहेव योरसेल्फ। बीमार तुम नहीं हो, शिरो है। ये बीमार है। प्रॉब्लम क्या है इन्हें? माफ कीजिए, ये अपने घर के अंदर था और जोर जोर से कांप रहा था, इसने खाना भी नहीं खाया। चलिए इसको देखते हैं। ओके, अपना मुंह खोलो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा बच्चा है। गुड बॉय। अब स्टेथोस्कोप लगाऊंगी, अच्छे बच्चे की तरह रहना, बिल्कुल भी मत हिलना, ठीक है? शिरो सचमुच बहुत शांत है और अच्छा बच्चा भी है ना? देखिए मैडम, शिरो को बहुत ठंड लग गई है, इसका टेम्परेचर हाई जा रहा है। हाई टेम्परेचर? तो ये कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर? एक हफ्ते में। मुझे लगता है शिरो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। शिरो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये घर, ये बाउल तुम्हारे बिना बहुत सूना लग रहा है। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? शिनचैन, जाकर शीरो को खाना दे दो। हाँ। शीरो, खाना हाजिर है। मुझे दो एक डॉलर, मैं खाऊंगा चॉकलेट और ब्रो करूंगा डॉलर। मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? ये तो बताओ मैं उनकी लड़ाई बंद कैसे करूं? हो गया शिनचैन। ये आवाज तो मसाओ जैसी है। हाँ मैं ही हूँ। और भाई क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से देखा नहीं तुम्हें। किंडरगार्टन कैसा चल रहा है? अरे लेकिन हम तो रोज मिलते हैं ना, और किंडरगार्टन तो स्प्रिंग हॉलीडे की वजह से बंद है। वैसे तुम हमारे साथ पिकनिक पर चलना चाहोगे? अरे क्यों नहीं यार, पिकनिक पिकनिक, इट्स टाइम टू गो टू पिकनिक। एक चादर, ये चलेगी। और क्या चाहिए? कुछ खाने का सामान और बहुत सारा जूस। मुझे ये वाला जूस का पैक लेकर जाना चाहिए। अब मैं हैरी को छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं सबसे महंगा वाला गिफ्ट ही लूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं शिनचैन को लेकर पिकनिक पर चली जाती हूँ, खूब मजा आएगा, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। शिनचैन, कहाँ हो तुम? शिनचैन, मुझे इसे ले जाना नहीं भूलना चाहिए। क्या तुम खाने का सामान लाए हो? अरे मैं तो इतना सारा सामान लाए हूँ कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे वो तो कजामा है। पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। लेकिन मैं तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। कभी कभी छुट्टी ले लिया करो, सारा टाइम पढ़ाई 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 मत किया करो। तुम तो यही चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बना रहूँ। कोई बात नहीं कजामा, चलो दोस्तों हम तीनों ही चले जाते हैं। मन लगा कर पढ़ना कजामा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें वाकई ये सब कुछ करने की जरूरत है? नोहारा फैमिली को हल्के में नहीं ले सकते, नोहारा के हमले से बचने के लिए ये बैरियर जरूरी है। तुम्हें शिनचैन की हरकतें याद है ना? मॉम ये क्या है? हाँ? अरे ये तो वेंटिलेशन के लिए है। देखना इस साल हम फैमिली पिकनिक का मजा अकेले जरूर उठा कर रहेंगे। वाओ चेरी के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या नजारा है। यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। अरे तुम जगह ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। दीदी यहाँ पर। हेलो नैनी। दोस्तों इस जगह को तुम अपनी जगह समझना। तुम तीनों यहीं पर थे क्या? हाँ। मर गए। शिनचैन के लिए तो ये बैरियर भी काम नहीं होया। शिनचैन तुम्हारे मॉम डैड नहीं आए? हमारा पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। ओ ये तो बुरा हुआ। अच्छा हुआ वो दोनों नहीं आए, इन सब बच्चों को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी। ये तो बढ़िया जगह है। पापा यहाँ सबसे पहले आए, उन्होंने इस जगह पर कब्जा किया, अब हमें हर साल यहाँ पर आना ही होगा। और मुझे भी हर साल ये खाना खाना ही होगा, इस खाने के बगैर पिकनिक का मजा नहीं। टेस्टी। फिर शुरू हो गया। अरे देखो कजामा भी आ गया। कजामा इधर आ जाओ। मैं भी आ गया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा और आ गया। मैंने ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मगर हम तुम्हारे लिए जगह बना लेंगे। अब जरा उधर खिसकिए, अब तुम्हारी बैठने की जगह है। मेरे दोस्त के लिए जूस डालो। देखो अब ये बदतमीजी तुम बंद करो शिनचैन। अरे शिनचैन के मॉम भी आ गई है यहाँ, हम लोग यहाँ है। इधर देखिए।